हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लिसनर्स इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस यानी कि सार्वजनिक उद्यमों का अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने इसके यूनिट 4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ इसको एंड तक देखें और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी हैं जो देखने वाले हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग इस वीडियो से वंचित ना रह जाएं, इस क्वेश्चन आंसर को भी देखें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और जैसा कि मैंने बताया अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी सपोर्ट करते रहें, ऐसे इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें। अब आइए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टू मेन सिस्टम्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी आर डैश एंड डैश, यानी कि अकाउंटेबिलिटी के दो मेन सिस्टम बताने हैं। जवाबदेही के दो प्रमुख प्रणालियाँ हैं कौन कौन सी? फर्स्ट है क्लोज्ड एंड ओपन यानी बंद और खुला, नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाहरी, थर्ड है लोकल एंड नेशनल यानी कि स्थानीय और राष्ट्रीय, लास्ट है रीजनल एंड स्टेट लेवल यानी कि क्षेत्रीय और राज्य स्तर। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि अकाउंटेबिलिटी के दो सिस्टम हैं यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। द टू मेन सिस्टम्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज द अथॉरिटी ऑफ द डैश, यानी कि सार्वजनिक जवाबदेही का प्रमुख साधन डैश का अधिकार है। फर्स्ट ऑप्शन है लेजिस्लेचर यानी विधायिका विधानमंडल, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, थर्ड है पीपल यानी कि लोग व्यक्ति, एंड लास्ट है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि लेजिस्लेचर। मेजर इंस्ट्रूमेंट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का इज द अथॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि सार्वजनिक जवाबदेही का प्रमुख साधन विधायिका का अधिकार है, विधानमंडल का अधिकार है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, एंड लास्ट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी का पार्लियामेंट के, उनको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँचेगा वीडियो, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे उनके लिए ही हेल्पफुल है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं कर दें, जो भी बीकॉम से रिलेटेड हो, क्योंकि बीकॉम वाले ही बच्चे पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, तो उनको जितना से ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं और यहाँ तक कि लाइक भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और ऊपर से मैंने आप सभी के लिए हिंदी इंग्लिश बोथ बायलिंगुअल रखा है, तो इसमें और मेरी डबल मेहनत हो जाती है। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट गाइस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज इन डैश डायरेक्शन, यानी कि जवाबदेही किस दिशा में प्रवाहित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इन ऑल डायरेक्शंस सभी दिशाओं में, नेक्स्ट है डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, थर्ड है अपवर्ड्स ऊपर की ओर, एंड लास्ट है राइट साइड यानी कि दाईं ओर। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि अपवर्ड, अकाउंटेबिलिटी फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम, यानी कि जवाबदेही से ली गई है।
फर्स्ट ऑप्शन है अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण, नेक्स्ट है फॉर्मल पोजीशन यानी कि औपचारिक स्थिति, थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, हाँ इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, और लास्ट है सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है, हाँ RESPONSIBILITY होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सब समझ सकते हैं। सो इसका आंसर थर्ड होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज कैग स्टैंड फॉर, यानी कि हमें कैग का फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है कैग, और ज़्यादातर तो बीकॉम के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऑनर्स वॉनर्स भी है, जो बीकॉम ऑनर्स है इसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, कैग से रिलेटेड हो गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देख लेते हैं इसकी हिंदी में क्या मीनिंग है, यानी कि CAG का क्या अर्थ है, यानी कि इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बताना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हिंदी में थोड़ा सा ये नियंत्रक हो गया है, यहाँ पर होगा कंट्रोलर, और आप इंग्लिश में जो ऑप्शंस है इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ पी का ही अंतर है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में, सो बहुत ही ध्यान से आंसर करिएगा। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिट अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार। नेक्स्ट है चेकर एंड एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के परीक्षक एवं महाप्रशासक। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देयर ओन डिसीजन इज नोन एज, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें इंडिविजुअल और जो ग्रुप्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं अपने खुद के डिसीजन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं के रूप में माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रित करना, थर्ड है ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता, एंड लास्ट है बजटरी कंट्रोल नियंत्रण। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है यानी कि ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण को किस रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बजट, हिंदी में भी बजट ही कहते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू यानी कि राजस्व, आय भी कह सकते हैं। थर्ड है सैलरी यानी कि वेतन, एंड लास्ट है प्रॉफिट यानी कि लाभ, इसको हम कहते हैं बजट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट के रूप में जाना जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर डैश, यानी कि जो कंज्यूमर का राइट है वो प्रोटेक्टेड होता है किसमें, यानी कि उपभोक्ता के अधिकार किसके अंतर्गत सुरक्षित है। फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 यानी उपभोक्ता सुरक्षा 1986। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1990 यानी उपभोक्ता संरक्षण 1990। थर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1982 यानी उपभोक्ता संरक्षण 1982। एंड लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1991 यानी कि उपभोक्ता संरक्षण 1991। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है इमूवेबल गुड्स यानी कि अचल वस्तु। नेक्स्ट है मूवेबल गुड्स यानी कि चल वस्तु। थर्ड है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज यानी विशेष सामान और सेवाएं। एंड लास्ट है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज यानी सभी सामान और सेवाएं या फिर वस्तुएं और सेवाओं। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है यानी कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये
महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों एक और बात, हमें पता चला है कि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं, अगर मैं मान के चलूँ कि 100% लोग देखते हैं यानी स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उसमें से 40% लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना फुल योगदान दिया है, लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है। लेकिन जो 60% लोग हैं अभी भी उन्होंने सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है, तो प्लीज़ वो लोग भी कर लें। क्या है कि इससे भी हमें मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट, इस चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज, यानी कि क्रामिक प्रबंधन का विषय डैश है। यहाँ पे दोस्तों देखिए पर्सनल मैनेजमेंट लिखा है, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि क्रमिक। देखते हैं ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट यानी कि लाभ, नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजीगत निवेश, एंड थर्ड है ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य, एंड लास्ट है वेजेस एंड इंसेंटिव यानी कि मजदूरी और प्रोत्साहन। इंसेंटिव का मतलब आपको वैसे पता ही होगा, इंसेंटिव मतलब होता है जो भी हम दूसरों को मोटिवेट करने के लिए जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं या फिर मोटिवेट करते हैं, वही चीज़ को कहते हैं इंसेंटिव। अब इसका क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट मैटर एक पर्सनल मैनेजमेंट का क्या होता है, जिसका आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट है जैसे कि मैंने बताया कि क्रमिक यानी कि कंज्यूमर से रिलेटेड है ये, तो दोस्तों ऑब्वियसली सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा, मनुष्य होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस वेयर ग्राहक सुविधा केंद्र हैव बीन लॉन्च्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान नहीं है ऐसा जहां पर ग्राहक सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। यहां पर ऑप्शंस है दिल्ली, नेक्स्ट है पटना, थर्ड है कोलकाता, एंड लास्ट है लखनऊ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लखनऊ में ग्राहक सुविधा केंद्र शुरू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश मीन्स रेंडरिंग अकाउंट्स टू हायर अथॉरिटीज, यानी कि किसका अर्थ है उच्च अधिकारियों को खाते प्रदान करना। फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, नेक्स्ट है कमर्शियल एंटरप्राइज यानी कि वाणिज्यिक उद्यम, थर्ड है इंडिविजुअल ओन्ड एंटरप्राइज यानी कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाला उद्यम, एंड लास्ट है पार्टनरशिप फर्म यानी कि साझेदारी फर्म। दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन से ही इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख सकते हैं आप कमर्शियल इंटरप्राइज जिसका कोई लेना देना ही नहीं है हायर अथॉरिटीज़ के साथ, इंडिविजुअल ओन्ड इंटरप्राइज यानी कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाला उद्यम, इंटरप्राइज का क्या संबंध भाई उससे, और पार्टनरशिप का क्या संबंध अथॉरिटीज से। इसका आंसर क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो होता है वो क्या करता है उच्च अधिकारी को खाते प्रदान करता है, यही उसका उनका काम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश आर वेब बेस्ड गैदरिंग प्लेसेस, यानी कि डैश वेब आधारित सभा स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन कंज्यूमर कम्युनिटीज यानी ऑनलाइन उपभोक्ता समुदाय, नेक्स्ट है ऑफलाइन कम्युनिटीज यानी ऑफलाइन समुदाय, थर्ड है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन यानी उपभोक्ता संगठन, लास्ट है एनजीओस यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका है हिंदी में गैर सरकारी संगठन। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि ऑनलाइन कंज्यूमर कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, अकाउंटेबिलिटी अप्लाइज टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक इन द, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही किसके में लागू होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल, नेक्स्ट है जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, थर्ड है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी, एंड लास्ट है पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि लेजिस्लेचर। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर एक वीडियो में 15 क्वेश्चंस कराती हूँ। दोस्तों मैंने अपने हिसाब से तो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही इसमें डाले हैं, और सो इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपके लिए ये बेनिफिट हो सके, ये अच्छा हो सके कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ पाएँ, क्योंकि अगर आप वीडियो देख के गए हैं तो अगर एक बार भी क्वेश्चन को रिवाइज़ किया है आपने तो अगर वो सामने क्वेश्चन आता है तो हमें याद आ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये हमने कहीं पढ़ा है, तो आप टिक कर सकते हैं सही सही आंसर।
सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें और आप सभी का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और जिसने भी जिस स्टूडेंट्स ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।